वीडियो में देखेंगे कि एचपी विक्टस का बायोस अपडेट कैसे करते हैं। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्राउजर पे जाके सर्च करना है एचपी विक्टस बायोस। उसके बाद क्लिक करने के बाद फर्स्ट साइट रहेगी, उसके आपको सपोर्ट साइट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके एचपी विक्टस, ये हमारा ऑटोमेटिकली लैपटॉप डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम चूज करेंगे अपना विंडोज़, विंडोज़ 10 होगी तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 होगी तो विंडोज़ 11। उसके बाद यहाँ पर हमारा वर्जन दिखा रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे अपने सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग पे, उसके बाद जाएंगे अबाउट में, देन यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन सा है। यहाँ पर हमारा 22H2, 22H2 का हमारा मॉडल है। सो हम 22H2 को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा डिवाइस कनेक्ट का एक्चुअली करेक्ट से हो गया है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशंस, नेक्स्ट करेंगे और सेटअप करेंगे। ये हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे F21 और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है कि आप बायोस अपडेट करते वक्त अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा के करें, नहीं तो आपका क्रैश भी हो सकता है। सो इसको बड़े ध्यान से करना होगा। मेरा करंटली वर्जन चल रहा है बायोस वर्जन 21 और मेरा अपडेट आ गया बायोस वर्जन 28। अभी आपको बस रिस्टार्ट करना है और आपका बायोस अपडेट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।